तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने माउंट एवरेस्ट पर बने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात की थी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउंट एवरेस्ट पर बने इंडियन रिकॉर्ड्स की। यार इंडियन माउंटेनियर्स भी कम थोड़ी ना है। आज हम कुल 27 इंडियन माउंटेनियर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे विश्व में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइम करने वाले इंसान तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी थे। तेंजिंग नॉर्गे इंडियन नेपाली शेरपा थे और वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे पहले इंसान थे। 1959 में उनकी इसी अचीवमेंट के लिए उन्हें भारत सरकार से पद्म भूषण अवार्ड मिला था। अगर आप तेंजिंग नॉर्गे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने तेंजिंग नॉर्गे के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो आप यहां आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइम करने वाले फर्स्ट इंडियन सिविलियन का क्रेडिट चंद्र प्रकाश वोरा को जाता है। वो एक जियोलॉजिस्ट, ग्लेशियोलॉजिस्ट और माउंटेनियर थे। 24 मई 1965 को चंद्र प्रकाश वोरा माउंट एवरेस्ट की समिट पर पहुंचे थे। उसी साल भारत सरकार ने उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। माउंट एवरेस्ट की समिट पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी। 23 मई 1984 के दिन माउंट एवरेस्ट पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं, शरीर जमा देने वाला -30° तापमान होने के बावजूद वो समिट पर पहुंची थी। वैसे तो इस एक्सपीडिशन में कुल 6 महिलाएं थी पर बचेंद्री पाल अकेली ही समिट पर पहुंची थी। अपनी गांव की वो पहली कॉलेज ग्रेजुएट थी। अगर आप बचेंद्री पाल के बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने बचेंद्री पाल के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो आप यहां आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। हरियाणा की ताशी मलिक और नुंशी मलिक ने 19 मई 2013 के दिन माउंट एवरेस्ट की समिट पर पहुंचकर फर्स्ट फीमेल ट्विंस टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनके नाम कुल 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें से 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 16 दिसंबर 2014 के दिन फर्स्ट सिबलिंग्स एंड ट्विंस टू स्केल द 7 समिट का दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। पृथ्वी के जो 7 महाद्वीप है उन हर एक महाद्वीप की सबसे ऊंची जगह को 7 समिट कहते हैं। ताशी और नुंशी मलिक हरियाणा के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल वीरेंद्र सिंह मलिक की बेटियां हैं। तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड फर्स्ट सिबलिंग्स एंड ट्विंस टू कंप्लीट एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम है। द एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम एक एडवेंचर चैलेंज होता है जिसमें एडवेंचरर को नॉर्थ पोल, साउथ पोल और 7 समिट पर पहुंचना पड़ता है। आज तक सिर्फ 16 लोगों ने ही द एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम चैलेंज को कंप्लीट किया है जिसमें से 2 ताशी मलिक और नुंशी मलिक है जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इन दोनों के नाम कुल 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और 5 नेशनल रिकॉर्ड्स है। माउंट एवरेस्ट की समिट पर जाने वाली इंडिया की फर्स्ट फीमेल सिविल पुलिस ऑफिसर दीपिका राठौर थी। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2012 में पहली बार और 2016 में दूसरी बार क्लाइम किया था। इंदौर के मधुसूदन पाटीदार एक इंटरनेशनल माउंटेनियर, एडवेंचरर और एक्सप्लोरर है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मधुसूदन प्रोफेशन से माउंटेनियर होने के साथ फायर टेक्नोलॉजी इंजीनियर भी है। 21 मई 2017 के दिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया और यंगेस्ट इंडियन बॉय टू रीच द टॉप वाया नॉर्थ रीच का टाइटल अपने नाम किया। माउंट एवरेस्ट के अलावा मधुसूदन माउंट किलिमांजारो को क्लाइम किया है और उसके समिट पर 22 घंटे बिताकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 7 समिट सक्सेसफुली क्लाइम करने वाली भारत की सर्वप्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल है। 20 मई 2011 के दिन वो माउंट एवरेस्ट की समिट पर पहुंची थी और उसके साथ ही प्रेमलता अग्रवाल ने
ओल्डेस्ट इंडियन वुमन टू हैव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2004 में उन्होंने नेपाल के आइलैंड पीक एक्सपीडिशन में भाग लिया था। आइलैंड पीक ईस्टर्न नेपाल में हिमालय पर्वतों का एक पर्वत है जो सागरमाथा नेशनल पार्क में है। जब आइलैंड पीक को डिंगबोट से देखते हैं तब वो बर्फ के एक समुद्र में द्वीप की तरह दिखता है। प्रेम लता अग्रवाल ने 2007 में फर्स्ट इंडियन वुमन्स थार डिजर्ट एक्सपीडिशन में भाग लिया था। 2015 में गुजरात के भुज से पंजाब की वाघा बॉर्डर तक 40 दिन की केमल सफारी में भी भाग लिया था। उन्हें इन सब एडवेंचर्स का काफ़ी शौक है, होगा ही ना, क्योंकि उनकी ट्रेनर और मेंटर बचेंद्री पाल है। प्रेम लता अग्रवाल ने 37 ईयर्स की उम्र में माउंटेनिंग शुरू की थी। आज वो टाटा स्टील के एडवेंचर डिपार्टमेंट में एज एन ऑफिसर काम कर रही है। मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया एक आर्मी ऑफिसर के साथ ही माउंटेनियर भी है। अपने 45 ईयर्स के करियर में उन्होंने एडवेंचर, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट, डिसेबिलिटी, सोशल वर्क जैसे कई फील्ड में अपना योगदान दिया है। दार्जिलिंग की हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में एडवांस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने सिक्किम और नेपाल के कई पहाड़ों को सर करना शुरू किया। दो बार वो माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में असफल रहे। आखिरकार 29 मई 1965 के दिन एचपीएस अहलूवालिया ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। 1965 के इंडो पाक वार में उनको पैर में गोली लगने की वजह से एक पैर ने काम करना बंद कर दिया और वो हमेशा के लिए व्हीलचेयर पे आ गए। फिलहाल वो इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के चेयरमैन हैं। एचपीएस अहलूवालिया ने कुल 13 बुक्स लिखी है। उन्होंने अवार्ड विनिंग सीरियल बियॉन्ड हिमालया प्रोड्यूस की थी जिसका टेलीकास्ट डिस्कवरी चैनल और नेशनल जियोग्राफी चैनल ने पूरे विश्व में किया था। कल्पना दास जो एक लॉयर और माउंटेनियर है, उन्होंने 21 मई 2008 को माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। माउंट किलिमांजारो जो 5,895 मीटर की ऊंचाई के साथ साउथ अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसे कल्पना दास ने 9 अक्टूबर 2014 को सफलतापूर्वक क्लाइम किया था, वो भी बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के। 16 जनवरी 2015 को उन्होंने माउंट एकोनकागुआ को सक्सेसफुली क्लाइम किया था जो 6,962 मीटर की ऊंचाई के साथ साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, वो भी बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के। 5,642 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एल्ब्रस जो यूरोप का हाईएस्ट पीक है, उसे कल्पना दास ने 31 जुलाई 2015 को क्लाइम किया था, वो भी बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के। 3 दिसंबर 2015 को उन्होंने माउंट कोच्युक जो 2,228 मीटर ऊंचा है, उसे सक्सेसफुली क्लाइम किया, वो भी बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के, वो भी इंडियन साड़ी में। लव राज सिंह धर्मशक्तु माउंट एवरेस्ट की समिट पर 6 बार जा चुके हैं। उन्होंने बेसिक माउंटेनिंग और एडवांस माउंटेनिंग कोर्स 1990 में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से किया है। 2014 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। लव राज सिंह धर्मशक्तु की वाइफ रीना धर्मशक्तु भी एक माउंटेनियर है जिन्होंने 2009 में एंटार्क्टिका से साउथ पोल का सफर स्की से किया था। ऐसा करने वाली वो प्रथम भारतीय महिला थी। फु दोर्जे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 9 मई 1984 को साउथ ईस्ट रिज से बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की समिट तक पहुंचे थे। 1987 में कांचनजंगा एक्सपीडिशन के दौरान असम राइफल में उनकी मौत हो गई थी। दूसरे एक फु दोर्जे नाम के माउंटेनियर ने 1965 में माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। छंद गायन एक बंगाली माउंटेनियर, मार्शल आर्टिस्ट, एक्सप्लोरर और सेल्फ डिफेंस की टीचर थी। 18 मई 2013 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया था, साथ ही लोत्सो पर्वत भी सर किया था।
20 मई 2014 को जब छंद गायन माउंट कांचनजंगा से नीचे उतर रही थी, तब रास्ते में आए एवलांच के बाद वो दो शेरपा के साथ गुम हो गई। तीनों में से कोई भी वापस नहीं आया। बाद में उन तीनों को मरा हुआ घोषित कर दिया गया। सोनम ग्यात्सो ने 1965 में माउंट एवरेस्ट को सर किया था और जब उन्होंने समिट पर 50 मिनट बिताए उस समय यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 1962 में भारत सरकार ने पद्मश्री और 1965 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। सोनम ग्यात्सो ने अपना पहला सक्सेसफुल एक्सपीडिशन 1958 में चोयू पर्वत पर किया था। उस वक्त वो ऑल इंडिया एक्सपीडिशन के मेंबर थे। इंडियन टीम पहली बार इतनी ऊंचाई पर गई थी। माउंट एवरेस्ट पर जाने की उनकी दो कोशिशें असफल रही थी। एक बार वो 700 फीट से तो एक बार सिर्फ 300 फीट से ही दूर रह गए थे। लेकिन जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा तब वो कुल 9 लोग थे जिसने उस वक्त हाईएस्ट नंबर ऑफ सक्सेसफुल क्लाइंबर इन अ सिंगल एक्सपीडिशन का रिकॉर्ड कायम किया। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक पोस्टेज स्टैम्प इश्यू किया था। पूरे विश्व में एक ही सीजन में दो बार माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाली महिला भारत की अंशु जमसेंपा है और वो भी सिर्फ 5 दिनों में। फास्टेस्ट डबल एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। 16 मई 2017 को 17 लोगों के साथ अंशु जमसेंपा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का झंडा लहराया था। 19 मई के दिन नेपाली क्लाइंबर पूरी शेरपा के साथ उन्होंने दोबारा क्लाइंबिंग करना शुरू किया। वो रोज सुबह जल्दी उठती, ऑलमोस्ट बिना किसी ब्रेक लिए रात के 10 बजे तक क्लाइंबिंग जारी रखती, यह उनका रूटीन था। 21 मई 2017 के दिन सुबह 7:45 बजे वो समिट पर पहुंच गई और दो रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। अंशु जमसेंपा स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसिडर भी है। कैंटल जोइसर पहले वेजिटेरियन थे जिन्होंने साउथ साइड से माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। 19 मई 2016 के दिन वो माउंट एवरेस्ट की समिट पर पहुंचे थे। इससे 10 साल पहले एटना स्केटोम नाम के वेजिटेरियन माउंटेनियर ने नॉर्थ साइड से समिट तक पहुंचे थे। उनका माउंट एवरेस्ट पर जाने का मोटिव यह था कि वेजिटेरियन डाइट न्यूट्रिशनली डिफिशियंट है, लोगों की इस गलत फहमी को वो दूर करना चाहते थे। जानवरों के अलग अलग अंग से बने क्लोथ और इक्विपमेंट का इस्तेमाल न करके उन्होंने एनिमल किलिंग का विरोध किया। 2014 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जाने का प्रयास किया था लेकिन इसमें वो असफल रहे थे। उस वक्त खुम्बू आइसफॉल सेक्शन में 16 शेरपा की मौत हो गई थी। 2015 में भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जाने का प्रयास किया लेकिन नेपाल में आए भूकंप की वजह से माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग को बंद कर दिया गया था। माउंट एवरेस्ट पर एवलांच शुरू हो गई थी। इस इंसिडेंट की एक वीडियो जिसमें कैंटल दिख रहे थे, यह वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो गई थी। आखिरकार 2016 में वो माउंट एवरेस्ट की समिट तक पहुंच पाए और उन्होंने समिट पर पेपर मसाला डोसा खाया। राघव जोनेजा ने 15 साल 7 महीने की उम्र में माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करके सेकंड यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट का टाइटल अपने नाम किया। वो द लोवेरन स्कूल सनावर के स्टूडेंट थे और राघव स्कूल के एक्सपीडिशन में माउंट एवरेस्ट गए थे। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली यह यंगेस्ट टीम इन द वर्ल्ड थी। मालावत पूर्णा ने 13 साल 11 महीने की उम्र में माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइंब करके यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू हैव रीच द समिट ऑफ एवरेस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। 25 मई 2014 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने 50 फीट लंबा भारत का झंडा लहराया और राष्ट्रगीत गाया। उनकी लाइफ स्टोरी पर पूर्णा द करेज हैज नो लिमिट नाम की एक मूवी भी रिलीज हुई है। मल्ली मस्तान बाबू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन थे। 7th समिट को सिर्फ 172 दिनों में सक्सेसफुली क्लाइंब करके उस वक्त उन्होंने सबसे कम समय में 7th समिट को क्लाइंब करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने
19 जनवरी 2006 से अपनी जर्नी शुरू की थी जो 10 जुलाई 2006 में खत्म हुई थी। सेवन समिट को सक्सेसफुली क्लाइम करने वाले वो प्रथम भारतीय थे। मल्ली मस्तान बाबू अपने परिवार में पहले लड़के थे जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन लिया हो। उन्होंने सेवन समिट को वीक के हर एक अलग अलग दिन में क्लाइम किया था जो आज भी एक रिकॉर्ड है। अगर आप मल्ली मस्तान बाबू के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो आप यहां आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम नॉर्थ ईस्ट महिला तीने मन थी। 9 मई 2011 में उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था। 17 साल की उम्र में उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए मजदूर का काम करना शुरू किया था। सुभाष पाल वेस्ट बंगाल के माउंटेनियर थे जो 21 मई 2016 के दिन सुनीता हरजा, परेश नाथ और गौतम घोष के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए थे, लेकिन 22 मई के दिन उनकी मौत हो गई थी। बर्फ की वजह से उनकी चमड़ी सूज गई और बाद में शरीर का तापमान नीचे जाने की वजह से सुरेश की मौत हो गई थी। उन चारों में से सिर्फ सुनीता हरजा ही जिंदा वापस लौट आ सकी थी। पहली इंडियन टीम जो नॉर्थ साइड से माउंट एवरेस्ट की समिट पर पहुंची थी उसके एक मेंबर तेसवांग पालजोर थे। तेसवांग पालजोर उन तीन लोगों में से एक थे जो 1996 के माउंट एवरेस्ट डिजास्टर में मर गए थे। जब वो समिट से नीचे उतर रहे थे तब बिजाड़ में फंस गए और स्नो ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई थी। कन्हैया लाल पोखरिया एक इंडियन पुलिस ऑफिसर और पर्वतारोही थे जो 1992 में माउंट एवरेस्ट पर गए थे। वो अकेले पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट कंचनजंगा को दो अलग अलग रूट से क्लाइम किया है। 2003 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत इंडियन आर्मी के मोस्ट डेकोरेटेड सर्विंग ऑफिसर के साथ ही एक माउंटेनियर भी है। 2001, 2003 और 2005 में कुल 3 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमांजारो और एल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत बैंक को सक्सेसफुली क्लाइम किया है। 14 हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड को भी उन्होंने क्लाइम किया है। माउंट एवरेस्ट को 3 अलग अलग रूट से क्लाइम करने वाले विश्व के पहले इंसान भारत के कुशंग शेरपा थे। उनका जन्म हिमालय के वालुंग गांव में हुआ था। 14 साल की उम्र में वो घर से भाग गए थे और गांव के नजदीक पोर्टर का काम करना शुरू किया था। May 10, 1993 के दिन साउथ ईस्ट रिज रूट से, May 17, 1996 के दिन नॉर्थ ईस्ट रिज रूट से और May 28, 1996 को ईस्ट फेस से माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली पहली भारतीय अपंग अरुणिमा सिन्हा थी। 7 समिट में से 6 समिट पर उन्होंने भारत का झंडा लहरा दिया है। अरुणिमा सिन्हा युवराज सिंह से इंस्पायर हुई थी। अर्जुन वाजपेयी ने 16 साल 11 महीने और 18 दिन की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर थर्ड यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 14 अक्टूबर 2015 को अर्जुन वाजपेयी ने मुकेश कुमार के साथ मिलकर हिमालय की स्पीटी वैली में 6180 मीटर की ऊंचाई का एक अनजाना पर्वत क्लाइम करके इतिहास रच दिया। उन्होंने उस पर्वत का नाम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर माउंट कलाम रखा। माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम करने वाली विश्व की सर्वप्रथम महिला भारत की संतोष यादव है। वो सर्वप्रथम महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को कैंसुम फेस से क्लाइम किया हो। 1992 में पहली बार और 1993 में दूसरी बार संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। 1992 में माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर करके उन्होंने मोहन सिंह की जान बचाई थी। और भी कई इंडियन माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने नए रिकॉर्ड्स कायम करके भारत का नाम रोशन किया है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।